सुजाता जी, ये बैग, ये सामान कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चलो आज के एंटरटेनमेंट का तो इंतजाम हो गया, शुरू करो। हम वहां जा रहे हैं जहाँ की मिट्टी हमें पुकार रही है, अपने घर जा रहे हैं। अम्मा बेटे ने यहाँ रहते रहते इतने एहसान बटोर लिए हैं कि जिसका हिसाब करते करते पूरी उम्र गुजर जाएगी। चुकाना तो बहुत दूर की बात है, बस अब अपने घर जाएंगे। अथर्व बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ये मेरा घर नहीं है, मेरे हालात मेरी माँ को और मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। हमारा असली घर तो वो है जहाँ की एक एक ईंट सीमेंट से नहीं, मेरे माँ के पसीने से जोड़ी गई है। मेरा घर वो है जहाँ की हवाओं में गोबर की बदबू नहीं, खुशबू आती है। मेरा घर वो है जहाँ गायों को जानवर नहीं, परिवार समझा जाता है। वो शहर जहां इज्जत से कमाई तो वक्त की रोटी हमारे लिए सब कुछ थी, वो है मेरा घर, और अपने घर जाना चाह रहे हैं। चल मां। छोटू प्लीज मत जाना। बेटा अजमेर दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, आप जब चाहें हमारे घर आ सकते हैं, और वहां तो मैं आपको अपनी गायों से भी मिलाऊंगा, गुनगुन और पायल। सच? मैं वो गाय वाले घर में आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती है, आप मेरे दोस्त हो और आपको आना भी चाहिए। ओके। चल वहां। जाइए थर। आप जा जरूर सकते हैं पर मैं आपको रोक भी नहीं सकता। लेकिन अपनी अमानत पीछे भूल कर नहीं जा सकते। Let me do the honors. ये मेरी जिम्मेदारी भी थी और मेरा वादा भी। Oh, yeah.
आप विविधा को लिए बिना ही जा रहे थे। क्यों? आप इनके लिए मौत के मुंह से लड़कर वापस लौटे, इस पूरी दुनिया से, समाज से, इनके पिता से सबसे भिड़ गए आप, किसी की परवाह नहीं की आपने। और तो और कल आपने मुझे ही इतना सब कुछ किया, आपने इतना सब कुछ, और अब इनसे मुंह मोड़कर चले जाएंगे। आप विविधा को साथ लिए बिना कैसे जा सकते? क्या हो, आप चुप क्यों? कल तो आपके पास बहुत कुछ था कहने के लिए, आज नहीं है। आप उस इंसान को छोड़कर चले जाएंगे जिसके लिए आप बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकते हैं। अब वो आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी को कैसे ले जाऊं? इसका मतलब तो ये हुआ कि विविधा ने जिस अथर्व के बारे में मुझे बताया था वो अथर्व कोई और ही था, वो अथर्व जो सिर्फ दिल के रिश्ते मानता था, वो अथर्व जो सिर्फ खुशी के रिश्तों को ही समझता था। कहाँ है वो अथर्व? आप कब से ये समाज और रिवाजों की परवाह करने लगे? रवीश, अथर्व एकदम ठीक तो कह रहा है, और तू क्या कर रहा है, क्या करना क्या चाहता है? अपना वादा निभाना चाहता हूं। जो मैंने विविधा से किया, मैंने इनसे वादा किया था कि जिस दिन अथर्व पूरी तरह ठीक हो जाएगा उस दिन मैंने सारी बंदिशों से इस नाम भर के रिश्ते से आजाद कर दूंगा। आज वक्त आ गया वादा निभाने का। नाम भर का रिश्ता? विविधा की शादी हुई है आपसे, सात फेरे लिए हैं, आपके नाम का मंगलसूत्र पहनती है। ये मंगलसूत्र सिर्फ जिस्मों को पहनाया जा सकता है, जब तक वो आत्मा से नहीं जुड़ता ना वो केवल जेवर होता है, रिश्ता नहीं। और विविधा ने अपने जिस्म पर मेरे नाम का मंगलसूत्र पहना था, लेकिन इनकी आत्मा पर सिर्फ अथर्व का नाम इन्होंने पूजा की चुन्नी की तरह ओढ़ रखा था। जो फेरे मैंने इनके साथ लिए थे उनका कोई वजन नहीं है उन वचनों के आगे जो इन दोनों ने एक दूसरे से किए थे। जो रिश्ते गलतफहमी के दायरे में जोड़े जाते हैं उन्हें शादी नहीं कहते, मजबूरी कहते हैं। इन दोनों का रिश्ता बिना फेरे के भी किसी भी शादी से कहीं ज्यादा मजबूत है। और फिर पापा, पापा भी तो यही चाहते थे ना मां कि विविधा की शादी अथर्व से हो जाए। ये पप्पी जरूर हो। मैं तो आज किस लेकर हूँ।